जाएगी। यस, सो लॉ ऑफ डिमांड को और लॉ ऑफ सप्लाई को साइड में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। लॉ ऑफ डिमांड को और लॉ ऑफ सप्लाई को साइड में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे तब हम कंज्यूमर थे, जब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे थे तब हम प्रोड्यूसर थे। आज हम मार्केट की बात कर रहे हैं, आज हम लोग बैलेंस होकर सोच रहे हैं कि एक्चुअल मार्केट रियलिटी क्या होती है, एक्चुअल मार्केट रियलिटी क्या होगी, उसको देख के हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, आज सोच रहे हैं, ठीक है, उसको लेके हम लोग सोच रहे हैं। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर आपका डिमांड इंक्रीज होता है कोई भी प्रोडक्ट का, अगर आपका डिमांड इंक्रीज होगा तो टेल मी गाइस, उसका इफेक्ट प्राइस पे क्या होगा? करेक्ट है, बताइए जल्दी से, ये मेरा पल्लू बीच में आ जाता है कभी कभी, इसको पीछे लेना पड़ेगा। ओहो, सीन देखा हम अपने सीरियल में आते थे ना, पल्लू ऐसे गिराने के बाद में। ओहो, चलो देखते हैं, डिमांड अगर इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है भैया, उसकी प्राइस बढ़ेगी। तेरे भाई की डिमांड है, तेरे भाई की अगर डिमांड है तो प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है ना, सवाल ही नहीं आता है। जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है उसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा। प्राइस, वॉइस स्लो है, एक मिनट रुको, सेल चेंज करता हूँ। हाँ जी, अभी ठीक है, अभी आ रही होगी आवाज़। हाँ, सो देखो क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, फिर थोड़ा टाइम चेंज करो ना, टाइम चेंज करूँ, इग्नोर कर रहे हो। अरे मैंने बोला ना, मैं, मेरी हिम्मत ही नहीं है मैं आपको इग्नोर करूँ। देखो यार, चीज़ समझना, मैं हमेशा से बोलता हूँ, आप लोग हो तो उनकी वजह से हम लोग हैं यार, आप हो तो हम लोग हैं, तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते आपको, इग्नोरेंस नहीं बोलते हैं उसको, अब इतने सारे मैसेजेस होते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं, है ना। ओके, चलिए, अभी आवाज है, अभी अभी किसी ने बोला आवाज नहीं आ रही ना, मैं बुक्का मार देना मैंने। हाँ, सो ध्यान सुनना, डिमांड इंक्रीजेस प्राइस आल्सो इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस प्राइस आल्सो इंक्रीजेस, और अगर डिमांड कम होती है, डिमांड डिक्रीजेस, तो प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी आल्सो डिक्रीजेस। हाय, है ना, करेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है, यस और नो? अच्छा, ऑन द अदर हैंड, अगर मैं यहां पे बात करूं दोस्तों, ऑन द अदर हैंड, अगर मैं यहां पे बात करूं सप्लाई की, अगर बात करूं, जिस प्रोडक्ट का सप्लाई ज्यादा उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा, और जिस प्रोडक्ट का सप्लाई कम उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आज मेरे को एक बात बताइए, तीन चार राखी, तीन चार नहीं है, 10-12 राखी है भैया। अभी मेरा नाम चेंज हो गया, अभी मैं शुभम भैया हो चुका हूँ, अभी आजकल मेरे को सब शुभम भैया बुलाते हैं भैया। मैं, मुझे डर है कोई रास्ते में भी मेरे को मिले ना तो राखी ना बांध देवे, है ना। शादी होने के बाद में क्या हो गया है ना, सब एकदम सबका भाई वाला प्यार मेरे ऊपर जाग उठा है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, अच्छा ही है। और मैंने सबको गिफ्ट दिया है, पता है, मैंने सबको गिफ्ट दिया है, जिन जिन ने मेरे को राखी बांध दी है ना, सबको मैंने गिफ्ट दिया है। मेरी दुआएं, मतलब बड़े लोगों की दुआएं मिल जाए और क्या चाहिए जीवन में, बताओ। तो अब देखो यार, मुझे सिर्फ 3 मिला, टाइम चेंज करो ना। अच्छा, अभी अभी तो पढ़ लो लेक्चर, आगे की बातें आगे करते हैं, आगे की बातें आगे करते हैं, अभी टाइम पढ़ लो बेटा, लेक्चर तो देख लो अभी सही से। सो क्या बोला गया है, अब यार इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना, इक्विलिब्रियम, अब हम एक कंसेप्ट देखने वाले हैं, दैट कंसेप्ट इज नोन एज व्हाट, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है समझना, सोचिए यहां पे अमन भाई अग्रवाल, अमन इसका नाम मैंने चेंज करके रख दिया, अमन्या चलेगा ना बेटा, गुस्सा नहीं करना बेटा, ओके, प्यार से रखा है मैंने नाम, क्या रखा है दोस्तों, प्यार से अमन्या, क्या नाम है इसका, अमन्या। अमन्या की गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, हैप्पी वाला बर्थडे है गर्लफ्रेंड का, अमन्या का हैप्पी भाई, अमन ही बोल दो यार, अमन्या थोड़ा सा ऑड लग रहा है, अमन, अमन अच्छा नाम है, क्यूट नाम है। सो अमन की गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अमन भाई, है ना, मेरी तरफ से भी प्यार देना उसको, आई मीन टू से, अरे मतलब आशीर्वाद वाला प्यार है, आशीर्वाद वाला प्यार। तो भाई बताइए, अब अमन भाई की गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, अब गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो बर्थडे के दिन तो देना पड़ेगा ना गिफ्ट, यस सर नो? बर्थडे के दिन नहीं देगा तो कब देगा तू दोस्त, कब खून खोलेगा तेरा, कब तू गिफ्ट देगा? तो इस भाई ने पूरा पैसा क्या कर दिया दोस्तों, सेव करके अराउंड कुछ 3,000 रुपीज वगैरह सेव कर दिए हैं। कितना सेव कर दिया, सेविंग कितना कर दिया इसने, 3,000 रुपए उस व्यक्ति ने सेव कर लिए है। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया बेटा, कर दिया कर दिया। 3,000 क्या कर दिया इसने, 3,000 रुपीज इस बंदे ने सेव कर लिए, कितने सेव कर लिए, 3,000 रुपीज। बोले मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत बढ़िया सा एकदम सेक्सी सा टॉप दूंगा, टॉप ही होता है ना, टॉप जींस जो भी होती है, ठीक है, सेक्सी सा ड्रेस दूंगा कि पहन के वो एकदम, मतलब ऐसी लगेगी ना, माहौल मचेगा,
माहौल मचेगा, मतलब वो है ना, परम सुंदरी लगेगी, परम सुंदरी, ऐसा माहौल मच जाएगा, बोले इतना, हाय 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 क्या बताऊं मैं। ठीक है, अब बंदा है ना ड्रेस लेने गया उसके लिए, है ना, गिफ्ट लेने गया मेरे दोस्तों, गिफ्ट लेने गया बेटा। तो यहाँ पे शॉप पे गया तो उसको एक ड्रेस बहुत पसंद आई, और इतना प्यारा ब्लैक कलर का वन पीस उसको पसंद आ गया। ब्लैक कलर का क्या पीस पसंद आ गया, वन पीस। अमन पहन के देखेगा फिटिंग वगैरह, तू पहन तू क्या करेगा पहन के, तेरे को तो लूज आएगा। चलो ठीक है, अमन भाई सरवा रहा है, सरवा नहीं बेटा, सरवाना नहीं किरण बेटा, इग्नोर नहीं करते हैं दोस्त, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा। हाँ जी, सो क्या बोला है दोस्तों, इसको पसंद आ गया, लेकिन उसका प्राइस था 5000 रुपीज। कितना प्राइस था? 5000 रुपीज प्राइस था। क्या मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो पाएगा, डील हो पाएगी? आंसर इज नो, डील नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि यार ये डिमांड कर रहा है 3000 में और ये सप्लाई कर रहा है 5000 में, तो डील कैसा होगा? डील हो ही नहीं पाएगा, चाह के भी ये दोनों कर नहीं पाएंगे डील। परीक्षा उठ जा बेटा, सोना नहीं है, सोते सोते कोई लेक्चर देखता है क्या बेटा? नहीं, सो जाएगी मालूम पड़ा सोते सोते, थोड़ी देर बाद में मम्मी आएगी अब, है ना, पट्टे से शॉट मारेगी तेरे को, तब जाके उठेगी तो। चलिए, अब इसने बहुत रिक्वेस्ट किया उसको, सेलर को बहुत बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब प्लीज 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 प्लीज, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, क्या मेरी गर्लफ्रेंड क्या आपकी गर्लफ्रेंड दोनों एक ही एक नहीं है, मतलब आपकी भाभी जैसी है, तो आप प्लीज प्लीज थोड़ा तो कम करिए, थोड़ा तो कम करिए। तो उस व्यक्ति ने बोला चलो ठीक है, 4000 रुपीज लगा देंगे आपके लिए, आपने इतना बोला है ना, तो 4000 लगा देंगे। क्या डील हो पाएगी, क्या डील हो पाएगी, क्या ट्रांजेक्शन हो पाएंगे? आंसर इज नो। अरे है रिकॉर्डिंग ऑन है, मैंने सिस्टम में किया है ऑन, टेंशन ना लो बेटा, डील नहीं हो पाएगी। फिर इस बंदे ने वापस से यार थोड़ा सा बार्गेनिंग किया, मतलब घुटनों पे बैठ गया एकदम, ये घुटनों में बैठ गया, बोले आप मेरे को सस्ता कर, मेरे को 3000 में दे दो। तो उस व्यक्ति ने 3000 में दे दिया। क्या इस प्राइस पे मैं बोल सकता हूँ डील हो गई? क्यों? क्योंकि इस प्राइस पे भाई डिमांड और सप्लाई क्या हो गया, मैच हो गया। इसीलिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इट इज दैट पॉइंट वेर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, वेर डिमांड इज इक्वल टू व्हाट, सप्लाई। जहां पे डिमांड और सप्लाई सेम हो जाते हैं उस पॉइंट को यारो क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाता है। उस पॉइंट को यारो क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। करेक्ट आंसर के बाद सुनो, एक बार सभी लोग है ना, एक बार सभी लोग है ना, ऐसा करो अंधेरा कायम रखेगा। सर सेलर को लॉस हुआ, लॉस होगा तो वो बेचेगा ही नहीं ना बेटा, होम लॉस हुआ तो वो बेचेगा ही नहीं, उसको परवड़ता रहेगा तभी तो बेचा। एक बार करो करो, डू इट। जो नहीं करेगा उसकी शादी नहीं होगी, शादी होगी तो सेम जेंडर से होगी। जिन्होंने कैमरा ऑन किया उन्होंने तो करना ही करना है, जल्दी से गो फॉर इट। ऐसा करिए सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक मिनट को तुम्हारी अच्छी सी फोटो लेता हूँ मैं, प्यारे लग रहे हो, एक मिनट करो करो, सही से स्माइल दो, अच्छे से फोटो लेता हूँ, पोस्ट करता हूँ, देखिए कि ऑनलाइन कैसे चलते हैं, हमारा हमारे बच्चे ऑनलाइन भी सुनते हैं, हमारे सिंसियर बच्चे हैं वो। वाह 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 वाह, सभी लोग करो, जो नहीं करेगा ना मैं लपड़ लगा दूंगा। तनु बेटा हंसना नहीं है, जो बोला वो करो, फोटो आया नहीं अभी तक, चल ले चल लूट फास्ट। ओके वेरी गुड, चलो। हाँ जी, सो ये पोजीशन है भाई साहब, ये मैंने पोजीशन बताई है आपको, करेक्ट है, ये मैंने क्या बताई है आपको, पोजीशन बताई है, किस चीज की पोजीशन है? ये पोजीशन है, ये पोजीशन है बेटा इक्विलिब्रियम की। किसकी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। किसकी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम की। मुझे एक बात बताइए, डिमांड कर्व कैसे आता है? डिमांड कर्व आता है डाउनवर्ड स्लोप, हाँ है ना, डिमांड कर्व कैसा आता है? डाउनवर्ड स्लोप। और सप्लाई कर्व कैसा आता है? अपवर्ड स्लोप। और जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, टच नहीं, थोड़ा यू नो फील, टच करेंगे, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। सर इतने बार मैसेज कर दिया आपको, आप फॉलो बैक नहीं करते? अरे निशी का बस क्या, अभी आपके घर तक आपको फॉलो करूंगा मैं, तो टेंशन ना ले, ठीक है। सो अगर इस पॉइंट की अगर हम बात करें, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब इट इज दैट पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, मतलब एक दूसरे से सेम होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, करेक्ट आंसर बताइए सुनो। अच्छा यार इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब ही हो गया कि डिमांड जो है, बायर इज रेडी टू बाय एंड सेलर इज रेडी टू सेल, बायर लेना चाहता है सेलर देना चाहता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। सही बात है। अब इस पॉइंट पे जो प्राइस होगा, ये प्राइस तो वो प्राइस है
ये प्राइस वो प्राइस है एक्चुअल में जहां पे बायर एंड सेलर दोनों, बायर लेने के लिए रेडी है और सेलर देने के लिए रेडी है। ठीक है, ग्राफ एक बार और बता देते हैं उसमें क्या बात है। ओहो, आदित्य कुमार सिंह आए हैं, बताइए। आदित्य कुमार सिंह, हम अभी आपको याद कर रहे थे थोड़ी देर पहले। किसी की तो मुस्कान निकल गई भैया नाम सुन के, किसी की तो मुस्कान निकल गई चेहरे पे, है ना, इतनी बड़ी स्माइल आ गई आदित्य का नाम सुन के, है ना। ठीक है, ओके। सो पहले बताइए, डिमांड कर जो है, डिमांड कर क्या डाउनवर्ड स्लोप आता है? आई एम जस्ट किडिंग। डिमांड कर क्या आता है दोस्तों? डाउनवर्ड स्लोप आता है। एंड द सप्लाई कर कैसा आता है? अपवर्ड स्लोप आता है, ये हमको पता है। और ये दोनों पॉइंट जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, टच कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम कहेंगे यार इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कह देंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट। सही बात है, सही पकड़े हो, एकदम सही पकड़े हो। ठीक है, एग्जाम्पल दो निशिका, एग्जाम्पल दे देंगे यार। आप चिप्स लेने गए, आपको सर प्रीवियस डे से यूट्यूब पे अपलोडेड नहीं किया, कर दिया बेटा, कर दिया बेटा, गो एंड वॉच, कर दिया बेटा। सर मोदी सर बोल रहे थे आप कभी भी सो सकते हैं। हाँ बिल्कुल सो सकते हैं। स्टार्टिंग के डेज में ना, स्टार्टिंग के डेज में तो मैं जब बस से ट्रैवल करता था ना, बस से ट्रैवल, तो मैं ऐसे ऐसे खड़े खड़े भी सोता था। जेन्युइनली मजाक नहीं कर रहा हूँ, खड़े खड़े ऐसे सो जाता था मैं। यार मेरे को ऐसा लगता है सोने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, नींद। ना मैं जगह देखता हूँ, ना प्लेस देखता हूँ, ना आदमी देखता हूँ, सबके साथ सोता हूँ। मतलब कहीं पे भी सो सकता हूँ मैं ऐसा। सर स्टॉप यूजिंग मी बाय आदित्य नेम, कौन है ये, कौन बोले है, कौन बोली है ये? अच्छा तो तू हंस क्यों रही है, तू हंस क्यों रही है? चलिए ओके, चलो पढ़ाते, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते नींद नहीं आती है, पढ़ाते पढ़ाते नींद नहीं आती है, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो समझो यार, निशिका ना, निशिका तुरतुरे लेने गई है। क्या लेने गई है? तुरतुरे, तुरतुरे, कुरकुरे नहीं, तुरतुरे। अब इसके पास बेटा 8 रुपए, कितना है बेटा? 8 रुपए। तुरतुरे लेने गई है, ये भैया के पास गया, भैया तुरतुरे देना, भैया तुरतुरे देना, भैया प्लीज तुरतुरे देना। अब उस बंदे ने पैकेट निकाल के दे दिया, लेकिन बोला प्राइस 10 रुपए का है। तुरतुरे कितने का है? 10 रुपए। क्या मुझे बताओ आपकी डील होगी? आपकी डील होगी? आंसर इज नो। फिर यहां पे निशिका वहां रोने लग गई, जोर जोर से रहने लगे, प्लीज मेरे को दे दो, प्लीज भैया दे दो मेरे को, प्लीज दे दो। तो भाई भाई साहब एकदम बोले इमोशनल हो गए बंदे। इमोशनल होने के बाद क्या ही करेगा, दे दिया उसने 8 रुपए में, उसने पैकेट दे दिया, पैकेट दे दिया तुरतुरे का, है ना। तो अब मुझे बताइए क्या मैं बोल सकता हूँ, ये पॉइंट कौन सा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे डील हो गई। मतलब आप देखोगे ना, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हो और जिस प्राइस पे वो व्यक्ति आपको सेल कर रहा है, वो पॉइंट कौन सा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कल मैंने बाइक खरीदी, बाइक मतलब बाइक, सॉरी बाइक, काम वाली बाइक नहीं रही है ना, काम वाली बाइक, बाइक खरीदी मैंने। क्या खरीदी? मैंने बाइक खरीदी। अब मुझे बताइए, तो उस बाइक का जो प्राइस होगा, जिस प्राइस पे मैं बाइक कर रहा हूँ और जिस प्राइस पे वो सेल कर रहा है, वो प्राइस कौन सा है? इक्विलिब्रियम प्राइस। वो पॉइंट कौन सा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा बेटा आपका? इक्विलिब्रियम पॉइंट। यस और नो? भक्ति की शक्ति, हाँ या ना, सही है ना? हाँ, वेरी गुड बेटा। चलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट सर इसका फिगर पे भी बता दो। ये लो फिगर, देखो फिगर के बिना तो मजा ही नहीं आता है। देखो अरे आपको डिमांड कर आता है ना, डिमांड कर हमने निकाला हुआ है ना, तो उसको बार वापस से निकालने की जरूरत नहीं। डिमांड कर डाउनवर्ड स्लोप का आता है, यस और नो। और सप्लाई कर कौन से स्लोप का आता है? अपर स्लोप। तो इस पॉइंट पे ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, कल इसको अंतिम श्रद्धांजलि देंगे अपन, फाइनली, है ना, फाइनली इस चैप्टर को अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। और कल आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो साहेबान, कदरदान, मेहरबान, थूकदान, पानदान, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, कल बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए। तो सिलेबस को थोड़ा गेयरअप करने के लिए, वेल है ना, मतलब कुछ प्लान किया हम लोगों ने आपके लिए। सो कल बहुत बड़ा आपके लिए सरप्राइज है, तो नहा धो के बैठना भैया, जो नहा धो के नहीं बैठेगा ना उसको नहीं मिलेगा सरप्राइज, बता रहे हैं हम आपको। बिल्कुल नहाया करो, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, पिछले 6 महीने से मैं नहाया नहीं हूँ खुद, क्या ही बोलूँ मैं आपको। दिस इज वॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम पॉइंट। सर मुझे आपका पढ़ाना बहुत अच्छा लगा। अरे थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, डन डन डन। ठीक है, सो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, समझो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी? आप क्या आंसर करोगे? डिमांड बढ़ने से प्राइस पे क्या 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 अफेक्ट होगा, बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी से।
सर डिक्रीज, प्रियंका इसको जिंदा पकड़ना है, प्रियंका को जिंदा पकड़ना है इसको। अरे मेरा मेरे बेटे, डिमांड बढ़ने से प्राइस के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा? तो डिमांड बढ़ने से प्राइस इंक्रीज होगी। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्या आंसर लिखोगे? देखो देखो देखो, बात समझो, बात समझो, बात समझो आराम से। सी, प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड पे इफेक्ट पूछा है, तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड की बात होगी। प्राइस इंक्रीजेस तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको पूछे कि देर इफ देर इज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी, आपको कोई एग्जांपल दे देंगे कि समझिएगा गोल्ड का डिमांड बढ़ गया है तो उसका प्राइस पे इफेक्ट क्या होएगा, इफेक्ट प्राइस पे पूछा है, तो आप बोलोगे प्राइस पे इफेक्ट ये होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस चीज को आप लिख लेना इक्विलिब्रियम में, डिमांड इंक्रीजेस प्राइस ऑल्सो इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस प्राइस ऑल्सो डिक्रीजेस, फिर यहां पर सप्लाई इंक्रीजेस प्राइस डिक्रीजेस एंड सप्लाई डिक्रीजेस प्राइस इज व्हाट बेटा आपका इंक्रीजेस। प्रियंका नहीं, प्रियंशा, ओके प्रियंशा बेटा, गलत बोल के भी फिर देखो कॉन्फिडेंस देखो मैडम का। हम लेक्चर में सोते हैं, कौन बोला आप इग्नोर करो? अरे अनंत बाबू क्या बात कर रहे हो, बस क्या बाबू, तुमको इग्नोर करके भैया हमको नरक में थोड़ी जाना है। सर मैं प्रियंका, सर आज मैंने किसी और को पिन किया है, आदित्य ने छोड़ दिया आशिकी, किसी और को पिन कर दिया आदित्य ने, क्या बात है आदित्य, बहुत बढ़िया बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। इग्नोरेंस मिलेगा, सक्सेस मिलेगा तेरे को। सर मैं पिंपरी चिंचोड़ से हूँ। अरे वाह वाह, वेरी गुड बेटा, चले डन। अब एक बात बताओ, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का जो भी डिमांड होगा या जो सप्लाई होगा, मतलब जहां पे बायर और सेलर मिलके करेंगे उस प्रोडक्ट को, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। उस प्लेस को क्या कहते हैं? हम लोग मार्केट कहते हैं। जैसे से सुबह सुबह मम्मी ने ना आपको बोला जा जाके सब्जी लेके आ, तो दिस इज व्हाट वेजिटेबल मार्केट है ना नियल? कौन सा मार्केट है बेटा? वेजिटेबल मार्केट है, करेक्ट है तेरे को, सुन नो। हाय है ना, अनंत को बोला जा बेटा एक काम कर ज्वेलरी लेके आ, होने वाले बहू के लिए जा एक काम कर नेकलेस खरीद ले। अरे मम्मी मॉडर्न निकले रे बट्टे, मम्मी ने बोला होने वाली बहू के लिए नेकलेस खरीद ले। देखो बोले उसको बुक करना है, बोले उसको बुक करना है, बोले बुकिंग करनी है, एडवांस बुकिंग का पैसा देना है, लड़की बुक कर रही है मम्मी तेरे लिए। तो मुझे बताइए क्या आप ज्वेलरी मार्केट में जा रहे हो? दिस इज व्हाट मार्केट। सो जहां बायर और सेलर दोनों मिलते हैं ना, दैट प्लेस इज नोन एज व्हाट बेटा? मार्केट। उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। सो मार्केट मीन्स अ प्लेस, ऐसी जगह जहां पे आपके दो व्यक्ति मिलते हैं और मिलके कुछ करते हैं, और उस कुछ करने से कुछ होता है। क्या करते हैं बता रहा हूं, शांति रखिए। दो लोग मिलते हैं, मतलब बायर और सेलर मिलते हैं, मिलके करते हैं क्या? एक्सचेंज है ना, और करने से उनको मिलता है, क्या मिलता है मालूम? बायर को प्रोडक्ट मिलता है और सेलर को मनी मिलता है, ठीक है। तो उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे? मार्केट, करेक्ट है। सुन नो, हाँ या ना, मतलब बायर एंड सेलर जहां पे अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज मार्केट, ठीक है। सो मार्केट मीन्स अ प्लेस, कम ऑन एवरीबॉडी। मार्केट का मतलब क्या होता है? तो मार्केट मीन्स अ प्लेस वेर वेर बायर एंड सेलर जनरली मीट एंड एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेस, एंड एक्सचेंज देयर व्हाट बेटा? गुड्स एंड सर्विसेस फॉर मनी, फॉर मनी। अच्छा आजकल यार तेरे को प्लेस की जरूरत नहीं है, डबल मीनिंग। रितेश तू डबल मीनिंग सोच रहा है ना, मैंने डबल मीनिंग बोला है ना, जितने भी ये स्टूडेंट है ना प्यारे प्यारे, इन्होंने भी, ये भी कोई नहीं हंसे हैं, तो किसी ने भी डबल मीनिंग नहीं लिया, तूने लिया है हर्ष, तेरे सोच पे सोचा ले। आई मीन टू से तेरी सोच कितनी गंदी है, कदेड़ा कहेगा। चलिए, सो मार्केट मीन्स अ प्लेस जहां पे कौन व्यक्ति मिल रहे हैं? बायर और सेलर मिल रहे हैं। कौन मिल रहे हैं बेटा आपके? बायर एंड सेलर मिल रहे हैं, करेक्ट है। अच्छा आजकल है यार, आजकल मैं बता रहा हूँ आपको, बायर और सेलर मिलने के लिए ना कोई प्लेस की जरूरत नहीं है, कोई प्लेस की जरूरत नहीं है। क्यों? आजकल ऑनलाइन भी होता है ना, करेक्ट है ना, आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है भैया। लॉकडाउन में बहुत लोगों के रिश्ते बन गए ऑनलाइन, हालांकि वो रिश्तों का कोई वजूद नहीं है ना, लेकिन बन तो गए हैं, बन तो गए हैं। मतलब अब आज ऑनलाइन देखो, फ्लिपकार्ट, यार मेरे को कुछ चीजें खरीदनी है, मैंने फ्लिपकार्ट पे डाला, मेरे को वो प्रोडक्ट मिल गया। तो आज जरूरी नहीं है, आज जरूरी नहीं है कि प्लेस होने की आवश्यकता है, आज आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। मतलब
फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, अब शादी डॉट कॉम इज ऑल्सो ए मार्केट, इज ऑल्सो ए मार्केट, स्नैपचैट, यस, इंस्टाग्राम, खासकर मैं बता रहा हूँ है ना, इंस्टाग्राम पे मस्त कुछ तो फोटो दिखी, उसको मस्त जाके मैसेज करने का हाय बताओ, मतलब क्या, हाँ मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, ठीक है चलो अपनी अपनी बातें होती है। और मुझे तो देखो ऐसे ऐसे अजीब और गरीब मैसेज आते हैं, मैं क्या बताऊं आपको, मतलब इनको पता नहीं मेरी शादी हो चुकी है फिर भी ऐसे ऐसे मैसेजेस भेजते हैं। देखो 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 मैं बताता हूँ आपको, एक मैसेज आया मेरे को, एक मिनट, बहुत ही खतरनाक मैसेज आया मेरे को, अबे कहाँ गया, एक मिनट ना, अरे कुछ तो मैसेज आया था, क्या आप लोनली फील कर रहे हो, हैं क्या आप लोनली फील कर रहे हो, अगर आप करना चाहते हो मेरे साथ चैट तो करिए मुझे मैसेज इस नंबर। वहा मैं बोला है 2-4-5 महीने पहले आता तो सोच भी सकते थे, अब क्यों भेज रहा है, मरवाएगा क्या, ऐसे मैसेजेस नहीं भेजते, कंपनी वालों को भी पता चल गया। अरे 2-4 बार आया है मैसेज, मालूम क्या, एक बार नहीं 2-4 बार आया मेरे को मैसेज, हाँ हाय माई सेल्फ नायरा, ओहो प्लीज कॉल फॉर एम्प्टीनेस एंड एंजॉय विद न्यू वन। ये देखो फैकल्टी को बिगाड़ रहा है ये, इन लोगों का क्या करूं मैं, फैकल्टी को बिगाड़ रहे हैं ये लोग, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस नाइट, सॉरी डे बोला नाइट लिखा है, गंदे लोग सारे हट। ओके एनीवेज सुनना चाहिए सर, आपकी शादीशुदा लाइफ को बर्बाद करने पे तुले हैं, नहीं शादी होने के बाद में इंसान वैसे ही बर्बाद हो जाता है ना, चलिए सो क्या बोला, आराम से कंसंट्रेट करना। अब देखो यार सी मार्केट, अब देखो मार्केट अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन जो हम लोग मार्केट देख रहे हैं ना वो कॉम्पिटिशन के बेसिस पे देख रहे हैं, आज जो हम मार्केट देखेंगे ना मार्केट इज बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन, किसके बेसिस पे हम लोग मार्केट देखने वाले हैं, इट इज बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन। अब एकदम आराम से सुनना, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, सबसे पहले ये लेक्चर वाइफ को सेंड कर दो, डरता हूँ क्या मैं, है डरता हूँ क्या मैं, फटती है मेरी, डरता नहीं हूँ मैं। ओके 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 चलिए इधर आइए भैया इधर, अरे इधर आओ तो आप, आपकी बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है, इधर आइए। देखिए भाई साहब मैं आपको प्रैक्टिकली मार्केट दिखा रहा हूँ, टी शर्ट पहन लीजिए, ऐसे बनियान पे आओगे हमारे बच्चे डर जाएंगे है ना, अनिल कपूर को देख के बच्चे डर जाएंगे हमारे, बाल बाल देख के। अभी है ना एक्चुअली क्या ना, मेरी दो वाइफ है, तेरी तो जिंदगी नरक हो चुकी है बेटा। अच्छा अभी है ना आशीष सर है ना, पहले है ना बहुत चिड़चिड़ करते थे, बहुत गुस्सा गुस्सा करते थे, तो मुझे समझ नहीं आता क्यों गुस्सा करते हैं, अब मुझे समझ में आता है, अब वो जब भी मुझसे मिलते हैं ना मैं उनको गले लग जाता हूँ, सर रहने दो, सर रहने दो, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, मैं आपको समझ सकता हूँ आपका, एक ही महीने में। आप हम पे गुस्सा मत करना, अच्छा सुनो अब यार देखो सोचो आप सबके सब गवार लोग, चौथी फेल लोगो ठीक है, और आप सीरियसली मत लो, नहीं तो कुछ लोग एकदम लड़कियां खासकर सीरियसली होती है, सर हमने चौथी फेल बोला कैसे आपने हमको, हाँ ऑफिस में फोन करती है कि सर ऑफेंसिव बातें करते हैं, क्यों लड़का था वो तो लड़का था एक्चुअली, ठीक है ऑफेंसिव बातें करते हैं बताओ। अब देखो यार आप सब लोग है ना कांदे लेने निकले हो, ऑनियन लेने निकले हो, क्या निकले हो, ऑनियन ठीक है, मस्त आपको गरम पोहा बनाना है, पोहा विथ सोहा मतलब पोहा खाना है ना, प्याज वाले वो भी ठीक है सर। अब देखो हम दोनों और ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने क्या बेच रहे हैं, ऑनियन बेच रहे हैं, बेटा ऑनियन दिखाओ, ऑनियन दिखाओ, अपना माल दिखाओ जल्दी से, पीछे से भी दिखाओ अपना माल मतलब ऑनियन, आगे से भी दिखाओ, खुल के दिखाओ ना यार, शर्मा क्यों रहे हो, वेरी गुड बेटा। देखिए यहां पे हम लोग क्या बेच रहे हैं, सीएस बनने के बाद में इंसान कितना ग्राउंडेड आदमी, देखिए सीएस बनने के बाद में भी आदमी कांधे बेच सकता है बताइए, हाय है ना, ऋषि जैन ने बोला बहुत छोटा है काम चलाना पड़ेगा बेटा, हाँ है ना काम इसी से चलाना पड़ेगा, छोटा बड़ा है दो ले लेना ना, ऑनियन छोटा है तो दो ले लेना, दो कट कर देना बेटा, ऐसा क्या बात कर रहा है, खुल के दिख, तू भी दिखा ना बेटा अपना, ओके सेम हम दोनों का सेम सेम है ओके। अब मेरे को एक बात बताइए, अब मेरे को एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनियन सेल कर रहे हैं ठीक है, आप हम लोग सेलर है, हम लोग कौन है बेटा, सेलर है, और आप लोग बायर हो, आप लोग कौन हो, बायर हो ठीक है, और इसमें ना बहुत सारे बायर है। अब देखो मैंने मार्केट का अभी तक नाम नहीं बताया,
मैंने आपका नाम नहीं बताया है, ठीक है, मार्केट का नाम नहीं बताया कि मार्केट है क्या, लेकिन मार्केट कौन से बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग मार्केट को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कंपटीशन, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दोस्तों, कंपटीशन। अब यहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स देखिए इस मार्केट में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है मतलब खरीदने वाले बहुत लोग हैं, एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी है, बेचने वाले भी बहुत है। यहाँ पे अभी आपको दो व्यक्ति दिखते होंगे कैमरा में, बाकी सब लोग बैठेंगे नहीं, तो बहुत सारे लोग हैं जो क्या बेच रहे हैं, कांदा ले लो, अरे फीलिंग के साथ, कांदा ले, अरे लेने पे बड़ा ध्यान दे रहा है तू। ओके सो यहाँ पे हम लोग ऑनियन बेच रहे हैं, मुझे बताइए क्या हम सबका सेम है, मतलब इसका भी सेम, मेरा भी सेम, सागर का भी सेम, सबका सेम, सेम 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 पिंच, हाया ना। अब मुझे बताइए यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम इन ऑल एस्पेक्ट, सेम इन ऑल एस्पेक्ट, सेम इन शेप, साइज, कलर, टेस्ट, प्रेफरेंस। हिमांशी क्या है प्रोडक्ट, कैसा है बेटा प्रोडक्ट यहाँ पे, होमोजीनियस। कैसा प्रोडक्ट है बताइए जल्दी से, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम इन ऑल एस्पेक्ट। हिमांशी नींद आ रही क्या तेरे को बेटा? हाँ हाँ लग रहा है मेरे को, लग रहा है, लग रहा है मेरे को नींद आ रही है। तो मन ही मन बोल रही है, अरे बस करना, अभी जाना, तू जल्दी निकलना, पहली फुर्सत में सोने देना मेरे को, ठीक है। तो बताइए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, कम ऑन एवरीबॉडी, सभी लोग एक साथ बोलोगे, एक सुर और एक ताल में बोलोगे, करेक्ट है। हमको ऐसा लगना चाहिए हम साथ साथ है, कैसे लगना चाहिए कि हम साथ साथ है। अगर मुझे कभी भी ऐसा लगा कि हम आपके हैं कौन, तो मैं आपका जानी दुश्मन बन जाऊंगा, फिर कल हो ना हो। क्रिएटिविटी देख रहे हो आप, क्रिएटिविटी देख रहे हो आप, थैंक यू जी। रात को बैठ बैठ के मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ आपके लिए जोक्स की, है ना। चलिए ये देखो, हिमांशी ने फिर इग्नोर कर दिया, बोले चुप करना, हिमांशी थोड़ा हंस लिया कर बेटा। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सेलिंग व्हाट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया, सेम सेम इन ऑल एस्पेक्ट। जैसे अनंत भाई साहब टोमेटो लेने गए, क्या लेने गए, टोमेटो लेने गए, जहां जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबके टोमेटो सेम है यार, टमाटर सबके सेम है, लाल लाल टमाटर, है ना, करेक्ट है। तो गुड्स कैसा है, होमोजीनियस, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सेलिंग होमोजीनियस गुड्स। अब जब प्रोडक्ट सबका सेम है, इसने प्राइस बढ़ा दी, क्या तेरे से कोई लेगा? अरे तूने अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया तो तेरे से कोई प्रोडक्ट खरीदेगा? आंसर इज नो। अरे क्यों खरीदेगा यार, जब सबका प्रोडक्ट सेम है और इस व्यक्ति ने, इस महाशय ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, बोले मैं तो महंगा बेचूंगा, तो कौन खरीदेगा तेरे से? तू नहीं है तो मैंने से खरीदा, मैं नहीं तो सागर से खरीदेंगे, सागर नहीं है तो मोदी सर से खरीदे, मोदी सर से तो बहुत लोग खरीदेंगे, मैं भी खरीदूंगा मोदी सर। ओके चलिए, तो अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्या है ना, सबका प्रोडक्ट जब सेम होगा तो कोई प्राइस ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा, प्राइस भी सबका कैसा होगा, सेम होगा, एकदम सेम प्राइस, मतलब सिंगल प्राइस, एकदम आप लोग के जैसे। आप भी सिंगल हो ना बेटा? नहीं हो तो हो जाओ, जरूरी है लाइफ। हाँ, अगर सबने प्राइस बढ़ा दी तो सबकी प्राइस बढ़ेगी, तो प्राइस तो सेम ही है ना, सबका प्राइस क्या है, सेम है। कोई भी अगर इसने बढ़ा दिया प्राइस, तो इससे कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है, तो प्राइस सबका क्या रहेगा, कहीं ना कहीं सेम रहेगा, ठीक है। और सबने बढ़ा दी तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका प्राइस तो सबका सेम हो गया ना, सबका प्राइस क्या हो गया, सेम हो गया। अच्छा इस व्यक्ति में देखो ना, बोले ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम, बोलो वाह वाह, बोलो वाह वाह, इरशाद बोलो इरशाद, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, जा बहन जा, आज से तेरा किस्सा खत्म। ब्रेकअप के बाद मैंने ऐसे ही बोला था, लेकिन एक दिन मैंने अपनी वाइफ को भी ऐसा बोल दिया था। फिर आपको पता है ये मेरे मुंह पे ना, इधर इधर मार्क दिख रहा है क्या आपको, 7 टाके लगे हुए हैं, वो उसी का परिणाम है, ऐसा नोचा है उसने बिल्ली के जैसे। इसका मतलब ये नहीं मैं अपने वाइफ को बिल्ली बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जंगली बिल्ली है। हाँ ना, कौन नोचता कौन है, धीरे बस डरता है क्या मैं। ओके चलिए, अब मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, सिंगल प्राइस। अब यहाँ पे ना, मतलब सबसे पहले कोई व्यक्ति अगर मार्केट में आना चाहता है, नया सेलर, न्यू सेलर वॉन्ट्स टू एंटर इन टू द मार्केट, मोस्ट वेलकम। कोई पुराना व्यक्ति जाना चाहता है तो जा सकता है, आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम, आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम, मतलब फ्री एंट्री। देखो आईपैड को भी गुस्सा आ गया, ठीक है, आशीष सर ने ना सेकेंड हैंड दिलवाया हमको चोर बाजार से, और दिलवाया क्या, चोरी करवाया है, बोले उठा ले उठा ले, बोले उठा ले, बोले कोई नहीं दिख रहा, उठा के लाए हैं, बताओ। तो ऐसे ही होगा ना,
बोलना मत रे आशीष सर को, ये चमचा है आशीष सर का, जाके बोलेगा आशीष सर, सर आपको सर से भी डरता नहीं हूं मैं, बस जॉब का टेंशन है मेरे को बाकी कोई नहीं। चलिए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, इस कॉम्पिटिशन को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इस मार्केट को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट या परफेक्ट कॉम्पिटिशन, करेक्ट है। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है समझना, ऐसा मार्केट जहां पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, बायर भी बहुत है सेलर भी बहुत है, और प्रोडक्ट कौन सा बेच रहे हैं, होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब सेम प्रोडक्ट, करेक्ट है। अगर सेम प्रोडक्ट होगा आराम से कॉन्सेंट्रेट करिएगा, प्राइस भी कैसी होगी, सिंगल प्राइस होगी, प्राइस भी कैसी होगी दोस्तों, सिंगल प्राइस होगी। अच्छा यहां पे एंट्री और एग्जिट कैसा होगा, मतलब कोई बंदा अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है फ्री एंट्री एंड व्हाट, फ्री एग्जिट, मतलब कोई बंदा अपना बिजनेस बंद करके जाना चाहता है जा सकता है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, गॉट इट, समझ में आया क्या। सर आप एग्जांपल बहुत मस्त देते हो, थैंक यू जी, बट क्या है ये एग्जांपल कुछ कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, फिर उनके पेरेंट्स के कॉल आते हैं मेरे को, हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है तू, फिर मैं बोलता हूँ सॉरी। अनुराग वाल्मीकि क्या हो गया, टेंशन में काहे बैठा है भाई तू, इसने ऐसा हाथ रख लिया सर पे, क्या हो गया तेरे को, सब ठीक है ना, छोड़ के गया कोई, लग रहा है मेरे को रिप्लाई नहीं आया, नहीं आया, कटेगा तेरा भी कटेगा, इसलिए बोल रहा हूँ उम्मीद मत रख रिप्लाई का। सर नेट खत्म हो गया है, इस लेक्चर को यूट्यूब पे आज ही अपलोड करा देना। अरे जी जी बिल्कुल, ये सब तो 11-12 में था, हाँ 11-12 में था वर्मा जी। सिंगल प्राइस मतलब सेम प्राइस, देखो यार प्रोडक्ट जब का सेम होता है ना तो प्राइस भी सबकी कैसी होती है, सेम होती है। अब मेरे को एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल प्राची मैडम ना कैडबरी लेने गई, प्राची अग्रवाल मैडम ना, अग्रवाल लोगों के पास बहुत पैसा होता बता देता हूँ मैं आपको, अग्रवाल इतना भर भर के पैसा होता है भाई साहब, भर भर के पैसा होता है। बीच में तो मेरे को एक काम आया था नोट गिनने का, प्राची आपने तो नहीं दिया था, पूछना एक बार पापा को, फोन आया था मेरे को कि नोट गिनने के लिए रहोगे हमारे पास, कितना पैसा दे रहे थे नोट गिनने के लिए, 4 लाख रुपए दिन का, दिन का, बोले कुछ नहीं करना है नोट की मशीन बनना है आपको, अल्लाह क्या है भाई, ठीक है बन जाएंगे, ओके। चलिए प्राची मैडम कैडबरी लेने गए, क्या है राखी है, तो प्राची ने ना, प्राची ने डिसाइड किया कि जितने भी इधर लड़के हैं ना, जितने भी लड़के सबके सब मेरे भाई है, सबके सब मेरे भाई है। प्राची बोलते सर एक को छोड़ के, प्राची मेरे को मैसेज कर देना कौन है, मैं देख लूंगा, तू टेंशन मत ले, कमीशन की बात अपन बाद में कर लेंगे, शादी के टाइम पे देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पे देखिए यार, इस बंदी को क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, इसने क्या किया, इसको कैडबरी खरीदनी है। अब अलग अलग शॉप्स है यार, अलग अलग शॉप्स है, ये डीमार्ट में गई, वहां पे कैडबरी का प्राइस 100 रुपए है, उसके बाजू में एक और शॉप था उसमें भी प्राइस 100 रुपए रहेगा ना कि ज्यादा रहेगा, जब प्रोडक्ट सेम है तो प्राइस भी सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। यस ये भी ले जा, मेरा भी ले जा तू, तेरा तो लेके जा ही रहा है, मेरा भी ले जा तू, सही से संभाल के रखना बहुत जरूरी है। हाँ जी सो बताइए मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे यार दोस्तों प्राइस सबका सेम रहेगा ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं सिंगल प्राइस, क्या बोलते हैं सिंगल प्राइस। अभी अग्रवाल, ओहो सही में इसका भाई आ गया लगता है, अभी अग्रवाल, प्राची अग्रवाल का भाई है अभी अग्रवाल। किरण बोल रही है, किरण बोल रही है मेरा भी एग्जांपल हो, ओके बड़ी। चलिए फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, यहां तक क्लियर है पांचों पॉइंट, ऑल क्लियर, भक्ति सोना नहीं है, भक्ति बस अबाउट टू, जिनको नींद आ रही है सब मुंडी मिंडी झटको, मुंडी मिंडी झटको, हटे जोर से मत झटकना गिर जाएगी मुंडी बेटा, हाँ धीरे से, ओ वेरी गुड बेटा वेरी गुड। फिर भी अगर नींद नहीं खुली तो दोनों दोनों उंगलियां लो अपना नाक में डालो और ऐसा जोर से खींचो, ट्राई करना कभी अकेले रहो ना, टारगेट टारगेट ट्राई करना। सर मार्केट कौन सा है, ये मार्केट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। चलो ये पांच ही पॉइंट है, पांच ही पॉइंट है, बस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ पांचों पॉइंट को, दैट इट, उसके बाद में रुकते हैं अपन, ये भी पांचों को रिवाइज कर लेते हैं। कल इस चैप्टर को हम लोग क्या देने वाले हैं, अंतिम श्रद्धांजलि, तो कल व्हाइट ड्रेस, व्हाइट ड्रेस पहन के आना, आपको क्या पहन के आना, आपको व्हाइट ड्रेस पहन के आना है, अंतिम श्रद्धांजलि देंगे कल, व्हाइट डे हम सेलिब्रेट करेंगे। रोना नहीं है किसी ने भी, चैप्टर छोड़ के जा रहा है, मैं नहीं छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं तो आर आई पी सर चालू हो जाओगे। आदित्य बोला सर एक और घंटा बढ़ाओ मजा आ रहा है, मेरे को मालूम है तेरे को मजा क्यों आ रहा है बेटे, आज का कैमरा ऑन है ना इसलिए तेरे को मजा आ रहा है, इसलिए तेरे को मजा आ रहा है, मेरे को पता है क्यों मजा आ रहा है बेटा, है ना ठीक है, मतलब मेरा कैमरा ऑन है इसकी मैं बात कर रहा हूँ,
हाँ, दीक्षा बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, चलिए मुझे सर का भी अपलोड करवा देता हूँ। सी गाइस बताइए, परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें, परफेक्ट कंपटीशन, देखो हम लोग मार्केट देख रहे हैं बेस्ड ऑन कंपटीशन, तो कंपटीशन के हिसाब से लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बायर भी बहुत ज़्यादा है, एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बायर भी बहुत सारे हैं, सेलर भी बहुत सारे हैं, एंड दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। यार ये है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा मार्केट होता नहीं है, क्या सबका प्रोडक्ट सेम देखा है आपने? मोर एंड लेस, हाँ वेजिटेबल मार्केट को हम इसका बोल सकते हैं कि वेजिटेबल मार्केट ऐसा होता है, लेकिन फिर भी सबके ऑनियन में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता है यार। किसी के आलू छोटे हैं, किसी के आलू बड़े हैं, किसी के आलू थोड़े खराब हैं, किसी के आलू बहुत अच्छे हैं, थोड़ा थोड़ा, अगर थोड़ा थोड़ा है ना, कुंजुम 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 कुंजुम, मतलब थोड़ा थोड़ा है ना, करेक्ट है ना? यस, तो वो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वेजिटेबल मार्केट, बट ये अगेन मिथ है। मिथ मतलब ये इमेजिनेशन है, और ये इमेजिनेशन लेने वाले का काम कौन बंदा होगा जिसने ये इमेजिन किया होगा, सोचो आप ही, कौन बंदा होगा, भरोसे वाला बंदा कौन होगा, आप ही सोचो जिसने ये इमेजिन किया होगा। मार्शल, सही बात है, इस मार्शल को मार्शल से उड़ा देना है, बताओ, ठीक है, खुद इमेजिन करता गया और इधर हमारे लॉ बढ़ते गए, हैं हमारे तो लॉ लग गए, कभी लॉ ऑफ डिमांड, कभी लॉ ऑफ सप्लाई, कभी क्या, कभी क्या, ठीक है। चलिए, सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट एट सिंगल प्राइस, प्राइस सबकी सेम है, ठीक है, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, जा बहन जा, तेरा किस्सा खत्म। बहुत बढ़िया, डन सर, आप डांस करना, नचोरा समझा आपने मेरे को, हा? वैसे मैं शादियों का ऑर्डर लेता हूँ, अगर शादी ब्याह में कोई डांसर चाहिए तो मैं ऑर्डर लेता हूँ बेटा, ठीक है, पैसों के लिए नाचता हूँ मैं, आप 200 रुपये दो कैसे मेरे ठुमके निकलते हैं ना, चलिए, आई एम जस्ट किडिंग, मिलते हैं एक नए जोश और नए जुनून के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स। एक दो लाइनें सुन लो, वन पीस में या टू पीस में, पैसों के लिए मैं वन पीस, थ्री पीस, टू पीस सब कुछ पहन सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पोल डांस है ना, सब करता हूँ मैं। चलो ध्यान दो, कि गुजर गया जो किसी दिन गुजरने वाला था, गुजर गया जो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं भी बच जाता तो एक रोज मरने वाला था, मैं भी, आए, 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 ये प्यार में जो है ना आशिक है ना, वो सर मैं हंस रही, तो पापा बोल रही पढ़ाई कर रही है ना, हाँ निशा बोला, पापा बोला पढ़ाई कर रही है, पापा हमारी सीक्रेट पढ़ाई चलती है। चलिए बाय बाय यार, लव यू गाइस, मिलते हैं कल एक नए जोश और नए जुनून के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, 10 मिनट क्लास करा लो प्लीज, बंद बंद।